रेवोल्यूशनरी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, किन मामलों में ये शामिल था और क्या क्या रिकवर किया? हमारी क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने इंस्पेक्टर महेंद्र गांडा के नेतृत्व में एक सतगीर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे हमें 3 पिस्टल और 2 रोन बरामद किया। ये पहले यहाँ लोकल में आदमी को इस व्यक्ति को इसने धमकी दी थी, उस मामले में वनडेड था और असले के मामले में वार्ड। तो कोई और मामले भी दर्ज हैं सर इस पे पंचकूला के अलावा सराउंडिंग एरियाज में? इसके पहले भी 10-12 मामले दर्ज हैं। ये लॉरेंस विश्वनाथ गैंग का एक्टिव मेंबर रहा है और ये लगातार यहाँ लोगों पर दबाव बना रहे थे, तो प्रेशर करके ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं। तो अभी जिस मामले में गिरफ्तार किया गया, आगे क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ और लोगों के इसमें शामिल हो सकते हैं? अभी हमने पहले कुछ दिन पहले 7-8 असले रिकवर किए थे, उस मामले में ये वांटेड था, 4 असले इसके पास थे, इससे हमने 3 असले रिकवर किए हैं और एक इसने गौतम नाम के व्यक्ति को धमकी दी थी, उस मामले में हम इसके खिलाफ हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अभी इसका हमने 4 दिन का रिमांड लिया, तो 4 दिन के रिमांड में हमने से चीज़ें रिकवर की। तो ये देसी पिस्टल ये कहाँ से लेके आए थे, कोई जानकारी? ये इसका एक साथी है बाहर, ये MP से लेके आए थे, वहाँ से इसका एक गुर्जंट इसके गाँव का रहने वाला लड़का, वो आर्मी में जॉब करता है, वो उसने इसको प्रोवाइड कराया।